हम अपना आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन की नींव छात्रावस्था है। प्राचीन गुरुकुल ऋषिकुल की प्रणाली अगर भी मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में प्राप्त है। संयम प्रशिक्षण छात्रावस्था में ही प्राप्त होता है। विद्या छात्रावस्था में ही सुलभ होती है। कला का प्रशिक्षण भी छात्रावस्था में ही सुलभ होता है। साथ ही साथ समाज की परिस्थिति का ज्ञान भी छात्रावस्था में ही सुलभ होता है। नीति और अध्यात्म से संबंधित भव्य जीवन की आधारशिला छात्रावस्था है। विद्या और कला में भेद है। दोनों में निपुण व्यक्ति लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। शुक्र नीति के अनुसार वाणी का उपयोग करके जिसे प्राप्त किया जाए उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति या बीमा भी जिसे प्राप्त कर सके उसका नाम कला है। विद्या और कला में यह विमानक रेखा है। तैतृय उपनिषद में दीक्षांत भाषण में आचार्य ने अपने स्नातकों को उपदेश दिया है। मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्य देवोभव अतिथि देवोभव। माता पिता आचार्य अतिथि इन चारों की देव बुद्धि से सेवा समर्चा करो। माता को देव माना गया अर्थात देव बुद्धि से माता की सेवा समर्चा का प्रशिक्षण भी छात्रावस्था में ही संभव है। देव का अर्थ है परमात्मा या आत्मा। आत्मबुद्धि परमात्मबुद्धि से माता के बिहार में उनकी सेवा समर्चा का ध्यान रखें। पिता को भी परमात्म बुद्धि से निहारें उनकी उचित सेवा समर्चा का ध्यान रखें। विद्या देने वाले कला में निपुण करने वाले जो आचार्य हैं उनको भी परमात्म बुद्धि से निहारें उनके प्रति शून्य संयम आस्था सेवा का प्रकल्प नियोजित करें। साथ ही साथ अतिथि जो है वो अग्नि स्वरूप है उनको भी समय आवर्धन इस प्रकार का प्रशिक्षण गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व छात्रों को प्राप्त होता था। तो आध्यात्मिक नींव नैतिक नींव व्यवहार में दक्षता के नींव लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष के नींव छात्रावस्था ही है। आवश्यकता की बात की है तो शिक्षण संस्थान चलाने वाले इस तथ्य को जाने अध्यापकों में इस तथ्य के प्रति आस्था हो। शिक्षण संस्थान को विशाली व्यापार तंत्र का रूप न दिया जाए। आजकल भारत में चिकित्सा के संस्थान सेवा के प्रकल्प से प्राय नहीं चलाए जाते। जिले चुने चिकित्सा के संस्थान ऐसे हैं जो सेवा के भाव से क्रियान्वित होते हैं। जिले चुने शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो दुशाही व्यापार से मुक्त होकर सचमुच में विद्यार्थियों को विद्या कला से संपन्न प्रबुद्ध बनाने का प्रकल्प प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए IPS, IAS, पायलट डॉक्टर इंजीनियर होने तक का प्रशिक्षण प्राप्त करने में 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक किसी परिवार ने खर्च किया।
और बन सके तो शिक्षण संस्थानों को भी इस अनुकूल बनाना चाहिए।